नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर, इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करने जा रहा हूं मुंबई अहमदाबाद के बीच में चल रहे भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। 508 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही आते हैं, जिसमें गुजरात का 348 किलोमीटर का हिस्सा आता है, दादरा एंड नगर हवेली का 4 किलोमीटर का और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर। आज इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से काम चल रहा है। हालांकि ये काम बहुत जल्दी और भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि पिछली महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अधिकार नहीं दिए नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को, जिसके अंतर्गत ये काम चल रहा है, तो महाराष्ट्र में काम थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन पिछले साल जो पैकेज वन और पैकेज टू के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे वो दे दिए गए थे महाराष्ट्र के, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था। तो उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात भी कही थी कि महाराष्ट्र में एक 21 किलोमीटर की सबसे क्रूशियल जो पार्ट होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, वो टनल बनने वाली है। उस टनल के अंदर 7 किलोमीटर का अंडर सी टनल भी बनने वाला है, मतलब कि अरेबियन सी के अंदर हमारी टनल जाएगी और वहां पे बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। तो ये बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल होगा भारतीय इंजीनियरिंग के इतिहास में। तो यहां पर क्या काम चल रहा है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी कुछ टेक्निकल जानकारी दूंगा, फिर बाद में कुछ स्टेटस जानेंगे कहां पे कितना काम चल रहा है, और फिर बाद में समझेंगे कि आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है इस प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों, 21 किलोमीटर की ये सिंगल ट्यूब टनल है। इसके अंदर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर जो अप एंड डाउन लाइन बनाई जा रही है, ये दोनों लाइनें जाएंगी। इसके अंदर 7 किलोमीटर का एक क्रूशियल हिस्सा भी है जो कि अंडरसी रहने वाला है। तो इस टनल का जो निर्माण हो रहा है, ये मुंबई के बांद्रा कुंडला कॉम्प्लेक्स जो स्टेशन होने वाला बुलेट ट्रेन का, जहां पर एंड होगा महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट का, वहां से लेकर के सिलफाटा के बीच में बन रही है। इस बीच ये थाने क्रीक के एरिया से होकर भी गुजरेगी। ये 21 किलोमीटर की सिंगल ट्यूब टनल, जिसकी चौड़ाई 40 फुट है लगभग, इसमें दो लाइनें आराम से आ जाएंगी बुलेट ट्रेन की। अगर ग्राउंड लेवल से इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जाए तो 25 से लेकर 65 मीटर तक डीप होगी ये ग्राउंड लेवल से। ये काफी ही ज्यादा क्रूशियल काम इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे भी ले जाया जा रहा है। कई जगहों पर ये टनल ज्यादा नीचे होगी, कई जगहों पर ऊपर भी होगी, लेकिन जब अंडर सी जाएगी तो और भी ज्यादा डीप ये जाएगी, लगभग 56 मीटर से लेकर 65 मीटर के आसपास तब ये जाएगी। इस टनल के लिए वर्टिकली शाफ्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे 3 शाफ्ट जिसकी गहराई 36 मीटर है, वो BKC बांद्रा कुंडला कॉम्प्लेक्स में बन रहा है। 56 मीटर जिसकी गहराई होने वाली है वो विक्रोली में, और 39 मीटर जो होने वाली है वो सावली में बन रहा है। साथ में एक इंक्लाइंड शाफ्ट जो कि 42 मीटर का होगा, वो घानसोली में बन रहा है, और घानसोली के थोड़ा नजदीक में ही इस टनल का एंड भी है, वहां पर भी काम तेजी से चल रहा है। देखिए, जो ये अभी तक मैंने बातें बताई, इसमें जो शाफ्ट मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसको टेक्निकली समझ लीजिए। मान लीजिए एक टनल है और वो टनल अंडरग्राउंड है, लेकिन हम सरफेस से एक वर्टिकली छेद करते हैं और उसके बाद उसमें बोर करते हुए बिल्कुल उस गहराई तक जाते हैं जहां से हमें टनल खोदनी शुरू करनी है। तो एक तरह से जो ये पूरा पैसेज हम बना रहे हैं, इसी को हम शाफ्ट कह रहे हैं। अब जो ये शाफ्ट है, इसी शाफ्ट के द्वारा दो टनल बोरिंग मशीन नीचे डाली जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में टनल बोरिंग करना शुरू करेंगी। अभी हाल ही में जब अश्विनी वैष्णव सर ने यहां पर इन शाफ्ट्स की जानकारी लिए जाकर के किस तरीके से इनका काम चल रहा है, वहां उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि यहां पर अभी हम लेट तो हो चुके हैं गवर्नमेंट की वजह से, जो पिछली गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की, लेकिन हम लोग अब इसको दोबारा से तेजी से काम को करने के लिए नए नए मेथड अपना रहे हैं। इस 21 किलोमीटर की टनल के लिए हम 4 जगहों से काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें दो शाफ्ट में जो दो टनल बोरिंग मशीन जाएंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से काम करेंगी नीचे जाकर के, और साथ में ही इसके फाइनल एंड में भी काम चल रहा है घानसोली के आगे, साथ में एक अडिट पे भी काम चल रहा है जो कि टनल के साथ में ही बनाया जा रहा है। चलिए अब शाफ्ट को समझ लेते हैं। शाफ्ट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था BKC में बन रहा है, 36 मीटर इसकी गहराई होने वाली है। इसका 100% काम हो चुका है। ऊपर जो गहराई जहां से हमको करनी है, वहां जो मिट्टी को हटाने का काम होता है और पूरा एक आकार देने का काम होता है कि कहां पर हम खुदाई शुरू करेंगे, तो वो काम तो 100% हो गया। अब इसका एक्सकेवेशन का काम चल रहा है लगातार। शाफ्ट नंबर 2 विक्रोली में होने वाला है, जिसकी गहराई 56 मीटर होगी। इसका भी जो ऊपर मिट्टी हटाने का काम था, आकार देने का काम था ऊपर से, वो हो चुका है ग्राउंड लेवल से। अब इसमें खुदाई का काम लगातार जारी है। देखिए, जो ये दो शाफ्ट मैंने आपको पहले बताए हैं, इन दो शाफ्टों की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये दो शाफ्ट वही शाफ्ट हैं जहां से टनल बोरिंग मशीन, जिसको हम TBM कहते हैं, वो डाली जाएगी। उसके बाद ये विपरीत दिशाओं में काम करेगी, एक जो कि BKC की तरफ खुदाई शुरू करेगी नीचे से, और एक जो कि बोर करेगी घानसोली की ओर। तो घानसोली जो कि एक एंड पॉइंट है, और BKC जो कि एंड पॉइंट महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरीके से ये टनल बोरिंग का काम चलेगा। सावली जो कि घानसोली के पास में पड़ता है, 39 मीटर जिसकी गहराई होने वाली है शाफ्ट नंबर 3,
इसके ऊपर भी काम लगातार तेजी से चल रहा है और इसमें भी खुदाई का काम अब शुरू हो चुका है। इसके बाद शिल्फाटा में सुरंग के अंत में साइट पर पोर्टल का काम भी शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिल्फाटा जो कि घानसोली के आगे पड़ेगा, यहीं पर एंड पॉइंट होने वाला है इस टनल का। इस प्रोजेक्ट में जो टनल बोरिंग मशीन यूज होगी उसका जो ब्लेड होगा वो भी अनोखा ही होगा, क्योंकि 13.1 मीटर का लगभग इसका डायमीटर होने वाला है, जो कि एक काफी बड़ा ब्लेड है। क्यों? क्योंकि MRTS या मेट्रो प्रोजेक्ट में जो अभी तक टनल बोरिंग मशीन यूज होती आई है उसका जो डायमीटर होता है लगभग 5 से 6 मीटर का ही होता है। इस टनल में जो 16 किलोमीटर का हिस्सा होने वाला है दोस्तों, वो तो TBM मशीन के द्वारा ही एक्सकेवेशन उसका किया जाएगा, लेकिन जो 5 किलोमीटर का हिस्सा बचेगा उसकी जो खुदाई होगी दोस्तों, वो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM के द्वारा किया जाएगा। और इसी मेथड से आज हिमालयन क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे के, वहां पर भी खुदाई चल रही है। साथ में दोस्तों मुंबई के BKC की बात करें तो इसके लिए 4.8 हेक्टेयर भूमि जो है वो NHSRCL को दे दी जा चुकी है और NHRCL ने ये कॉन्ट्रैक्टर को भी सौंप दी है और वहां पर अब तेजी से खुदाई का काम चल रहा है। ये यहां पर अंडरग्राउंड काम होगा तो यहां पर 32 मीटर की गहराई से खुदाई की जाएगी बताया जा रहा है और लगातार इस पर काम भी जारी है। फिर वहां पर जो न्यू होगी उसके लिए कॉन्क्रीटिंग का काम चालू होगा। वर्तमान में दोस्तों इंजीनियर्स और वर्कर्स टोटल इनकी जो संख्या है वहां पर 681 लोग यहां पर काम कर रहे हैं और 2400 घंटे ये पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। और जब ये पीक पर होगा ना प्रोजेक्ट इस स्थान पर, तो बताया जा रहा है कि लगभग 6000 लोग भी यहां पर लग सकते हैं काम में जब यहां पर काम पूरा पीक पे चल रहा होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है किस कंपनी को मिला है और किस तरीके से यहां पर कौन सा पैकेज का ये हिस्सा है। देखिए पैकेज 1 जो कि मुंबई हाई स्पीड स्टेशन BKC का होने वाला है, जिसके अंतर्गत मुंबई का HSR BKC स्टेशन आता है, इसका एग्रीमेंट 20 मार्च 2023 को कर लिया गया था साइन। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो लोएस्ट बीडर साबित हुए थे वो थे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जॉइंट वेंचर, तो इनको ये काम मिला हुआ है। साथ में अगर बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की जो कि पैकेज 2 होने वाला है, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हुआ था 8 मई 2023 को और इसके लिए जो लोएस्ट बीडर साबित हुआ था वो थे एफकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यही है जो कि इस प्रोजेक्ट की सबसे क्रूशियल पार्ट इस 21 किलोमीटर के टनल के ऊपर काम कर रहे हैं। और पिछले साल मैंने जैसे कि आपको बताया था पैकेज नंबर 3 जो कि 135 किलोमीटर का हिस्सा होने वाला है गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में, और साथ में ही यहाँ पर सिविल एंड बिल्डिंग वर्क का जो काम है नंबर ऑफ 3 स्टेशंस का, थाने, विरार, बोईसार का, सिल्फाटा और जरोली विलेजेस के बीच में, तो यहाँ पर भी जो सारा काम है उसके लिए जो लोएस्ट बिडर साबित हुआ वो है LNT, तो LNT इस पर काम कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा इस टनल के बारे में और साथ में ही महाराष्ट्र में किस तरीके से काम चल रहा है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है, इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मीटर नीचे है, करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें दो लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। दो लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी। टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा। अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर गया होता है। अनफॉर्चुनेटली ठाकरे जी की सरकार ने बहुत इस प्रोजेक्ट में डिले किया, लेकिन हम उस डिले को मेकअप करेंगे और फुल स्पीड से काम करेंगे। इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी टनल बनाते हैं एक साइड से TBM डालते हैं ताकि वो जब तक टनल बोरिंग मशीन होती है TBM, इसमें कोशिश की है कि काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट। दो तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड है। तो इस तरह से करके 4 जगह से काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।